कोलकाता कोकेन कांड मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पामेला गोस्वामी के आरोप के बाद राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के नेता राकेश सिंह को पूर्वी बर्दवान से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोकीन कांड मामले में राकेश सिंह के घर पर पुलिस की छापेमारी हुई। पुलिस ने 3 घंटे तक राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। कोकीन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर फंसाने का आरोप लगाया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इससे पहले पुलिस ने पामेला की गाड़ी से 100 ग्राम कोकीन बरामद किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात के अहमदाबाद में आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। 63 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से बना यह दुनिया का सबसे बड़ा अहमदाबाद का नवनिर्मित सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता और खूबसूरती के सामने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और ईडन गार्डन स्टेडियम की रौनक भी फीकी पड़ गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 11:30 बजे रंगारंग समारोह के बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद बैठकर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से बातचीत भी करने वाले हैं। दिल्ली में पीएम मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत होगी। आज होने वाली इस बैठक के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में प्रोजेक्ट के बचे काम को लेकर बातचीत होगी। काम पूरा होने की फाइनल डेट को लेकर बात होगी। बैठक में उद्घाटन की तारीख पर फैसला हो सकता है। पीएम मोदी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से बात करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होते ही दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों के लाखों लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। खासकर दिल्ली पश्चिमी यूपी का सफर और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे के बचे काम को पूरा किया जा रहा है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने नया ऐलान किया है। टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च करने और दिल्ली के पार्कों में खेती करने का ऐलान किया। वीकेयू के नेता राकेश टिकैत मानते हैं कि लाल किला भूतों की जगह है, इसलिए किसानों का अगला ट्रैक्टर मार्च संसद तक पहुंचेगा। हम जाएंगे तो पार्लियामेंट में जाएंगे और उन पार्कों की करेंगे जुताई, उसमें बोएंगे गेहूं। लाल बहादुर शास्त्री ने तो यही कहा था कि पार्क जो खाली पड़े हैं इसमें गेहूं की बुआई करो। टिकैत ने कहा है कि तीनों कानूनों की वापसी तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लाल किले का नाम लेकर किसानों को बदनाम किया गया। सीकर के किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे, जिसके चलते शहर के सारे रास्ते जाम हो गए। किसान नेताओं का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत थी। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।